राम राम दोस्तों, नींबू खाने के फायदे आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही ऐसी एक घातक बीमारी से आपको नींबू बचाएगा जो आपके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा विपरीत प्रभाव डालती है। अभी तक की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी नींबू के पौधे किस प्रकार लगाएं, किस प्रकार नींबू के पौधों की देखभाल करें, साथ ही साथ नींबू के पौधे में लगने वाले रोग, यानी जो नींबू की खेती के बारे में हमने आज तक आपको बहुत ही जानकारी दी। लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं नींबू खाने के फायदे। नींबू खाने के जो ज़बरदस्त फायदे हैं और घातक बीमारियों से आपको बचाएगी, तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसा कि हम एक नींबू आपको तोड़कर दिखाते हैं हमारे प्लांट से, जैसा कि ये आप एक नींबू ले लीजिए। यदि आपको तेज़ बुखार है, आपके बार बार बुखार हो जाता है, फीवर जिसको बोलते हैं, यानी आपके शरीर की जो बॉडी टेम्परेचर है वह मेंटेन नहीं रहता है, तो जैसे बार बार यदि आपको बुखार हो जाता है और आपका बुखार एक दिन शाम को फिर चढ़ जाता है, सुबह उतर जाता है, शाम को, ऐसा रूटीन है, तो आप एक नींबू लीजिए। सिर्फ आपको एक नींबू लेना है। एक नींबू लेने के साथ साथ आपको एक गिलास पानी लेना है। नींबू को बीच से काटना है, काटने के बाद एक गिलास पानी में इसको डाल दें, निचोड़ कर छिलका इसका अलग फेंक दें। उसी के साथ साथ आपको दो काली मिर्च लेनी है, एक लौंग लेनी है, हल्का सा जो सूखी अदरक यानी जिसको हमारी देसी भाषा में सौंठ बोलते हैं वह लेनी है। उसी के साथ साथ एक तुलसी जी का पत्ता लेना है, स्वाद अनुसार काला नमक लेना है। उसी के साथ साथ एक बतासा लेना है, बतासा जिसको बोलते हैं। इन सभी को आप एक गिलास पानी में डाल दें और धीमी आंच पर गैस पर रख दें। जब तक ये आपका एक गिलास पानी आधा गिलास पानी नहीं रह जाए, तब तक आप इसको गर्म करते रहें। जब आपका ये एक गिलास पानी आधा गिलास पानी रह जाए, उसके बाद आपको जो हल्का गुनगुना जैसा जिसको आप पी सकें उस प्रकार का हो जाए, ये तो आप या सुबह के टाइम खाली पेट लें या फिर आप शाम को खाना खाने के बाद जब आप बिस्तर पर लेटे उस समय लें। ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, नींबू का उपयोग करते समय जैसा कि हमने बताई है विधि, ये आप नोट कर लीजिए। और यदि आप नहीं नोट नहीं कर सकते, आप हमें कमेंट में ये पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की विधि है, तो हम आपको वहाँ पर भी ये जानकारी बता देंगे। तो इसको आप पीने के बाद आधे गिलास पानी को तो कम से कम आप एक घंटे आराम कीजिए। जो हवा होती है पंखे कूलर बाहर की हवा जैसे चल रही है, इस प्रकार खुले वातावरण में आप न डोलें, तो आप कम से कम आधा घंटा रेस्ट कीजिए। जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाएगा, पसीना एक बार आ गया तो आपकी आधी सी बीमारी समाप्त हो गई। शाम के समय भी आपको इसी प्रकार इसका सेवन करना है। यदि आपके लंबे समय से बुखार है तो आपका बुखार एकदम से समाप्त हो जाएगा। सिर्फ यदि ज़्यादा फीवर है आपको तो 3 से 4 टाइम आपको इसका उपयोग करना है। यदि 1-2 दिन पे चढ़ा है तो आप इसका 1 से 2 बार भी उपयोग कर सकते हैं। तो नींबू के बारे में जो हमने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो हम आपको लेकर आते रहें HSP किसान के YouTube चैनल से। जय जवान, जय किसान।